नमस्कार। ओहो 641 आ गया। सॉरी सॉरी शक्तिमान सॉरी। सर रविंद्र छात्र हित के लिए सही करे छात्रों भेजे। अच्छा आ जाइए आ जाइए। नमस्कार नमस्कार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार सत श्री अकाल। गुड इवनिंग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय माँ करणी जय भवानी। आ जाइए आ जाइए जल्दी करिए। सॉरी माफी चाहेंगे आपसे हम। गुरु जी आ जाओ। राबड़ी पी लो राबड़ी। यार राबड़ी शाम का गर्मा गर्म राबड़ी तो उठको नहीं। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्य कोटि संप्रभ है आहा भर्गो देवस्य धीमी। अच्छा वो तो पुरुष है वही है। गुरु जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राधे राधे। गुरुदेव कृपया सही उत्तर बताइए। 15 चित्र युद्ध के बाद अगर उदयपुर प्रशासन किसे सौंपा था। आमेर के जगन्नाथ गजा बीकानेर के रायसी आमेर के मानसी इस्माइल बेग। 1576 में उदयपुर पर अधिकार हुआ ही नहीं था अकबर का। हाँ अच्छा अकबर बाद में आया था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद में आया था। तो ये चारों ही नाम नहीं है यार। है मानसिंह को नहीं सौंपा था। जगन्नाथ कछवा भी नहीं था। राय सिंह वो नाम आता है। फकरुद्दीन कैसे से नाम आता है मेरे कन्फर्म याद नहीं। मुझे देख के बता दूंगा। मैं नोट्सों में तो लिखवाया हुआ है भूल गया मैं। सर आर एस ए कोर्स तो ले लिया है लेकिन आपकी क्लास ही नहीं आती है ना ही कुछ डिस्कस करता है। कोई सिलेबस का डिस्कस नहीं करेगा भैया हमारा टीचर। 1 घंटे टाइम पास करना है। सिलेबस तुम्हारे पास होना चाहिए। टीचर आके सीधा टॉपिक पढ़ाएगा। मेरी क्लास 2 या 3 दिन बाद शुरू होगी। हाँ मतलब सिलेबस आपको ही नहीं पता। सिलेबस में सब कुछ लगता है। मुना आर एस की तैयारी करें तो सब कुछ आता है। सब कुछ यानी जीके और साइंस के अंदर सब कुछ आता है। तू बता दे कि ये नहीं आता तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। कोई सिलेबस नहीं आ रहा इसका। देने से थोड़ी होता है। पूरा राजस्थान का इतिहास दे रखा है। टॉपिक देने से थोड़ी पूरा राजवंश नाम लिख दिया पूरा इतिहास आ गया। पूरा इंडिया सब कुछ दे रखा है। तो टीचर यहाँ आके और अपना सिलेबस कोई डिस्कस नहीं करेगा। सीधा अपना टॉपिक पढ़ाना शुरू करेगा। टाइम पास थोड़ी करना है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो हाँ पुरुषों के कुछ रह गए थे। एक अमोवा होता है अगर किसी को पता हो तो। एक अमोवा वस्त्र भी होता है। खाकी वस्त्र की तरह होता है जो शिकार के समय काम में लिया जाता है। ओ एटावरो सोड़ सोड़ के वे सॉरी सोड़ के वे बेरो के सोड़ियो। अरे सोड़ को किन कौन बेरो सोड़ियो रजाई यानी सर्दी के अंदर जो किया पेरे करानी रूई बरेड़ी रजाई बे समझ गया गे। सर्दी के अंदर वह टावरो कुआरा टावरो थारे लिए सख्त जरूरत ही रजाएगी। पहली बपरा ली हो अर नहीं फिर ई पटवार भर्ती में लाग जाओ तो जरूरत ही पड़े को नहीं। तो सोड़ के वह एक तरीके को सोड़ियो वह आ मान लियो। लोई लोई भी एक तरीके को ओढ़ने गए यानी ऊनी चद्दर वह जो कि सर्दियों में ओढ़नेगी वह ऊनी चद्दर है जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है। लोई आराम से पता है सबको। इन पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। गुलबंद अरे मफलर ही गुलबंद है। गुलबंद मफलर सर्दिया में काना में बांधन खातरा। देखो भाई जी देखो पूरा कवर कर रखे है जी। आपने केजरीवाल साहब है वह मफलर लेता ही समझ लियो सर्दी को आगमन हो गया है। तो बी आई मफलर बांधे केजरीवाल तो बी आई ओ मफलर है। ओके फैशन है उनका वो बांधते हैं। तो वही बात है। तो ये मफलर या गुलबंद जो है वो सर्दियां खातर है। इंगो भी सबने पतो है। ओ क्या चीज है बेरे ललियो लालियो कह दे कोई ललियो कह दे लालियो है भी तो लालियो लालियो बताओ क्या चीज है। छोरो लालियो क्या चीज है। आज से टांग करो कोई टाइम नहीं। लाल पड़ती थारे तो टाबर वह नहीं लाली पड़ेगा तो टाबर के लाल पड़े नहीं कपड़ा कपड़ा भर जा भी खातर किए वह वो लालियो बांधी जाए यानी अठे टाबर के लाल नहीं पड़े इन अंदर थोड़ी सी रुई वगैरह सी दे दे तो इन बजू लालियो गयो। तो थोड़ा सा ध्यान रखियो और देखो इन तरीके को देखो टाबरी हो कि तो सुनो और देखो वो ला लियो ठीक है। तो वो ला लियो ठीक है याद रहे जैसी ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई बहुत अच्छा है। एग्जाम में इसे पूछा भी जा चुका है यानी नमाज पढ़ते समय मुसलमान जो है वो बिछाते हैं इसको उसके ऊपर बैठ के नमाज अदा करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है उसको क्या आपको बोलते हैं मुसल्लो। याद रह जाओ याद रह जा सी ठीक है। कमेंट कर रहे हो बेटा आप तो बहुत कमेंट कर रहे हो और बहुत आंसर रहे हो। पुलिस का नया बेंच अभी जो बेंच है उसे 10% ही नहीं हुआ है नया क्यों लेंगे अभी। खुदा का शुक्र है जो दिल किताबों के। अच्छा सर आपकी बुक चेतक राजस्थान पुलिस के कॉन्स्टेबल एग्जाम क्वालिफिकेशन हो जाएगी क्या भैया क्या बताऊं तो तन। हाँ मन कौन मेरा भाई की है। हाँ
जमीन व आसमां को बदल देगी। वाह बहुत बढ़िया शायरी, मतलब मोटिवेशन करना शायरी। जमीन व आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देगी। वाह गुरुजी, ये सेल्फ बनाई डी शायरी है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। मुसल्लो कोपिन, ओके खाकड़ है भाई। अच्छा कोपिन, ठीक है हाँ कोपिन, कोपिन के चीज है मेरे कोपिन। साधु सन्यासी लोग जो है वो पहनने का वस्त्र जो होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कोपिन कहा जाता है। ठीक है ध्यान में रह जैसी कुछ के कौन है। चलो ठीक है, ऐ तो हाँ अपने पुरुषांगा वस्त्र हो गया टाबरो कंप्लीट। ध्यान में रह जैसी, पुरुषों के सभी वस्त्र ध्यान में रह जैसी। जय ठाकुर जी की, जय ठाकुर जी की। हाँ लाडलो मेरो नाम है, तेरो के नाम है, खुदा का शुक्र है जो दिल किताबों से लगाया, जिंदगी बनी खुशहाल अपनों को साथ पाया। वाह किताबों मोहब्बत करने की तो बात ही नहीं आ रही है, चेहरे पे चमक आ जाती है जब आदमी को किताब पूरी याद होती है ना, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। जब तुम नौकरी की तैयारी करते हो तो एकदम बेसुरे रहो, जितना तुम बेसुरा रहे इसको जितनी थारे लाड़ पड़े पढ़न दियो, दाढ़ी बढ़ रही है बढ़न दियो, एकदम जिसका कपड़ा है पजामियों पेर के उठ जाए करो गठी पढ़न जानो है लाइब्रेरी वगैरह में पजामो, एकदम बेसुरा रहो। क्यों? क्योंकि नौकरी लागे बाद में तो थान सुनो बन गया रहने, क्योंकि पुलिस में लाग गया तो दाढ़ी कर रखनी पड़ेगी, क्यों नियम है पुलिस को कटिंग वगैरह कर रखनी पड़ेगी, तो बाद में एकदम पेटेंट हो गया रही उन्हें, अब एकदम बेसुरा रहो जितना बेसुरा रहे इसको, ताकि ताकि थार बिना मतलब वो कोई अट्रैक्शन नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि अगली देखिए तो बावड़ी होने के करा तो वो फायदो मिले बाद नौकरी लागे बाद कर लीजिए। चलो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके, महिलाओं के वस्त्र। चल अब हमें पढ़ना है क्या, महिलाओं के वस्त्र। और महिलाओं के वस्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है साड़ी। साड़ी के बहुत सारे प्रकार हैं। सब महिला सबसे सुंदर भी साड़ी में ही लगती है, राजपूती ड्रेस में भी सुंदर लगती है। सुंदर महिला तो कुछ भी पहन लो सुंदर ही लगती है। कई बार हीरोइन जो है वो दुखी का सा रोल करे लेकिन जिया कोजा रोल करे लेकिन भाई कपड़ा कोजा पहन लेकिन फिर भी सुने तू सुनो सुनो ही लागे। तो साड़ी तो केवे को और भी अच्छी चीज है। तो साड़ी का बहुत सा प्रकार है टावरों जी, कौन कौन सा प्रकार हुए जी। साड़ी के अंदर प्रकार हुए कोटा डोरिया की साड़ी, आ तो आपने बहुत ही फेमस है। कोटा डोरिया की साड़ियां राजस्थान में बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि ये साड़ी कहां बनती है, ये केथून कोटा में बनती है, और भी दो तीन जगह बने लेकिन मेन कोटा डोरिया सबसे बेस्ट साड़ी जो मानी जाती है वो कोटा डोरिया। इसे बनारसी साड़ी कहते हैं, जैसे बनारसी पान फेमस है टावरो, बीआई बनारसी साड़ी फेमस है। इन मलमल या मसूरिया की साड़ी भी बोले, मलमल या फिर मसूरिया की साड़ी भी बोले। 2007 में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय 2007 में वसुंधरा राजे न्यूयॉर्क के अंदर गए थे, वहां पर उन्होंने कैटलॉग किया था। कैटलॉग क्या चीज है बताओ, कैटलॉग की चीज है बताओ, अरे बताओ कैटलॉग की चीज है जल्दी बताओ। ऐसा नहीं हम संघर्ष नहीं कर सकते, हम बेवजह किसी पे मर नहीं सकते। बहुत बढ़िया सर जी, मैं गवर्नमेंट इंटरव्यू, मुझे आरएस की तैयारी करनी है गुरुकुल में, स्पेशल आरएस की बैच। अरे गुरुकुल को बेरो कौन भैया, कोरोना ही लहरा चल रही है पतो ही कौन अभी, बताओ बताओ बताओ। आप करंट कौन पढ़ाओ भैया, वही पढ़ाओ डेड जी के करंट, राजस्थान का हर चैनल पर चल रहा है यार, घटी जच्चे बड़े पढ़ लियो। हाँ बताओ कैटलॉग क्या चीज है, कैटलॉग में आदि चाल ही नारी है, कैटलॉग स्टाइलिश चाल ना कैटलॉग। तो अपना वसुंधरा जी बैठे कैटलॉग करियो, इंगी बुजु वसुंधरा राजे ना आपने बैठे एक अवार्ड मिलियो, वी मैन टूगेदर अवार्ड, वी मैन टूगेदर अवार्ड। तो जब भी आपने अशोक गहलोत जी बारे जा वो जोधपुरी कोट पहन के जा, और आपने वसुंधरा राजे जो जाते हैं बाहर तो ये कोटा डोरिया की साड़ी, क्योंकि वसुंधरा जी खुद कहाँ की उस साइड के, ये झालरापाटन झालावाड़ तो बिन्नू आवे बीच में कोटा डोरिया की साड़ी भी मिल गया। तो वसुंधरा जी जो है वो ये फेमस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना उस समय ये अवार्ड मिला। आज तो नहीं पूछी, देखो इस चीजों में भी सरकारें चलती है। कांग्रेस सरकार का कोई काम किया अगर कांग्रेस की सरकार है तो ही प्रश्न पूछेगी, बीजेपी सरकार का कार्य जो है वो बीजेपी की सरकार पूछेगी, इनमें भी राजनीति चलती है। तो अब तो ये प्रश्न नहीं पूछेंगे लेकिन हो सकता है कल को दोबारा सरकार आ जाए तब हो सकता है कोटा डोरिया की साड़ी पूछ ले। अब देखो आगे साड़ी कौन सी है, सूट की साड़ी,
दिख रही है के? गठे की फेमस है, सूट की साड़ी टावरो सह से स्वाई माधोपुर की रंग पक्के रंगो सोई मां प्रयोग करी जाए उसका अपनी कौन देखेड़ी होगी सूट की साड़ी कोई बात नहीं। सूट की साड़ी के बाद में है जाम शाही साड़ी, गुरुजी इनको के विशेष बात है आ मैन रूप शादी के अंदर पेरी जे जाबू। देखो कितनी कितनी चीजा बतानी पड़ रही है, बेरो नाम ही कौन सुडेड़ा साड़ लेकिन फिर भी बतानी पड़ रही है। देखो तो पढ़नो मन पड़ रही थे, थोड़ा सो ध्यान रख ली ज्यादा। अब देखो कोटा डोरिया की फेमस है पूछेड़ी है सूट की साड़ी फूल पत्ती साड़ी, अब बहुत सुनी लाग रही है मैडम जी, आ साड़ी सुनी लाग रही है। देखो फूल पत्ती वाली साड़ी यानी अंग मा के वह इन तरीकों फूल सा लगाई डावे, जब भी इनके बोलना क्या गठे की फेमस है आ साड़ी जोबनेर की फेमस है। तो जब थारो ब्याह हो जानी क्योंकि अभी तो थार ब्याह हो कोनी, जीएफ ने साड़ी दी जे कोनी तो ब्याह हो बात है घरानी ले आगे दुआ थे देख लियो थे अभी सुनी लाग रही है। मैं थान चॉइस थे मन पूछ लियो मैसेज करी गुरु जी कौन सी साड़ी लाग रहा कोटा डोरिया ही तो देखो ओडी कोनी में बाकी अभी सुनी साड़ी लाग रही है। और चुआ चंदन की साड़ी आ कौन सी साड़ी है आ है विशेष रूप घट चले नाथ द्वारा साइड अनाथ द्वारा ये याद रह जैसी के दोबारा देखो साड़ियों में सबसे फेमस साड़ी कोटा डोरिया की साड़ी जिसे बनारसी साड़ी मलमल या मसूरिया की साड़ी भी कहा जाता है मखाने और केतुन कोटा वगैरह उस साइड में ये साड़ी बनती है। फिर ये भी ध्यान रखना सूट की साड़ी कहाँ बनती है, सूट की साड़ी टाबरो स्वाई माधपुर में बने और जामशाही कोई जरूरी नहीं है फूलपत्ती वाली जोबनेर में बनती है, थोड़ी सी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है थोड़ी सी ध्यान रख लियो ठीक है। ओके कह रहे हैं कुण बगावत कर रहे हैं मुझे आपको मिलने का बहुत दिल है, बगावत नहीं की है, बगावत नहीं की है मैंने, बस उसे इशारों में समझाया है नादान करती है वो उसे अपनी नादानी का एहसास कराए रेण धीरे राजकुमार जाटे चौधरी पढ़ ले दुखी वीडियो मतलब हाँ। चलो पोमचो पोमचे बारे में तो बताई दोगो, पोमचे के बारे में तो बताई दोगा पोमचो पामचो तो नॉर्मल चीज है वो देख लो पोमचो देख लो। गठे का फेमस है जयपुर का पोमचा, गठे का फेमस है कहां की फेमस है जयपुर को और शेखावाटी में तो टाबरो पीड़ो पोमचो फेमस है, शेखावाटी को पीड़ो पोमचो पीड़ा पोमचा ध्यान रखना पीला पोमचा पोमेचा और गुलाबी पोमचा कई बार एग्जाम में पूछ ली, पीड़ो पोमचो कद काम में ले जाए और गुलाबी कब छोरो हुए टाबर हुए जिया थे जाम्या यानी थार में कोई लड़को है वो जाम्यो तो कौन सो पोमचो काम में ले जियो, लड़की जामी जो कौन सो काम में ले जियो तो आप तो पीड़िया यानी पीड़ो पोमचो किसके जन्म पे लिया जाता है लड़के के जन्म पे पुत्र जन्म पे और गुलाबी किसके पुत्री जन्म पे। चीड़ का पोमचा सुने थे थारो चीड़ नया नया नाम सुनने मिला था पोमेचा, चीड़ का पोमचा विधवा महिलाएं पहनती है कहां का फेमस कहां कोटा कौन सा चीड़ का पोमचा याद रह जैसी के पीड़ियो तो मतलब छोरो गुलाबी लड़की हुई है पुत्र जन्म पे पीड़ा पुत्री जन्म पे गुलाबी। आजकल तो उसके चीजा नहीं रही होगी मन को पतो आजकल तो हॉस्पिटल में हुआ लिया पुराने टाइम की बात है। तो शेखावाटी का पोमचा भी टाबरो बहुत फेमस है, देखो शेखावाटी में ये ज्यादा चलता है शेखावाटी नव विवाह दुल्हन ये सब पहनते हैं शेखावाटी का फेमस है ये बहुत ज्यादा चलता है शेखावाटी के अंदर ठीक है के आगे चालूंगे कंपटीशन में प्रमोट कर दे प्रमोट करेगा 4000 पद है 17 लाख भरो मरीज प्रमोट करेगी या तुम ना बता अरे तेरी बात तो सही है। अब देखो है कौन सी ओढ़ न्याय अंग मऊ आज तक एग्जाम में सो ज्यादा कौन सो पूछे डबे रह गए ज्वार बात की ओढ़नी लगभग 2 या 3 बार इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका बाकी और कोई नहीं पूछा गया सबसे ज्यादा कि ज्वार बात की ओढ़नी कौन महिलाएं पहनती है। अब देखो थे देखो सगड़ा बड़ा दौरा काट गया दुकान में बोला दही था जीता तो गूगल पर बड़ा मुश्किल काटेड़ा है क्यों काटिया क्योंकि बिया पढ़ाऊ और समझ में आओ नहीं अब देख खेड़ो कि दिमाग में अटक जाए कहीं के टावर बड़ा इंटेलिजेंट हो एक कर देखता ही पहचान जाए तो डूंगर साई ओढ़नी इंग ऊपर बड़ा बड़ा पहाड़ांगा सा चित्र में डूंगर का यहाँ कोनी डूंगर कुटकी है डूंगरपुर की कोनी है बड़ा बड़ा पहाड़ांगा चित्र गठे की फेमस है जोधपुर तो ध्यान रखियो डूंगर साई ओढ़नी कोई डूंगरगढ़ की कोनी है डूंगरपुर की कोनी है गठे की है जोधपुर की याद रह जा सी गई ठीक है गुरु जी। मोरनी भात की ओढ़नी
मोरनी भात की ओढ़नी। बस सीधो सीधो नाम ध्यान में रखे और कोई प्रश्न कौन मिले। लहर बांत, वो देखो लहर सो देड़ो होएगा, मोर बांधी मोर ये चित्र हो दिया, लहर बांत की ओढ़नी देख लो सीधो सीधो है, यानी लहरियो बनेड़ो लहरिये टाइप है लहरिये बात होगी। चक्री बात की ओढ़नी इंग मांगुर जी इसी के चीज है, चक्री बात की ओढ़नी, कोई विशेष बात को नहीं है, चक्री बात ही सीधी सीधी था सामने पड़ी, ज्यादा चिंता करने की जरूरत कोई। ये फेमस है ज्वार बात की ओढ़नी, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, बुट्टे बुट्टा सा बनेड़ा है भाई। पणियारी बात की ओढ़नी यानी इंग ऊपर चित्र बनेड़ो है क्या वो मटके, मटके का इसके ऊपर। सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो है इसमें आया नहीं क्या, तारा बात की ओढ़नी, ध्यान रखना एग्जाम में दो या तीन बार पूछा जा चुका है, तारा भात की ओढ़नी कौन महिलाएं पहनती है, तारा भात की ओढ़नी। अब देखो इस प्रश्न को क्या करो, पहले तो आप उत्तर बताओ मुझे, ये प्रश्न दो बार एग्जाम में है, दोनों बार वैसे चर्चित ही रहा था, ये बताइए तारा भात की ओढ़नी कौन सी महिलाएं पहनती है, इसका उत्तर बताओ पहले तो जल्दी से बताओ। सर अंडरवियर कौन कराई, कराना रहा हूं मैं पढ़ ले अंडरगारमेंट। हाँ बताओ, बताओ 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 बताओ। अब एक चीज ध्यान रखना, उसमें दो ऑप्शन आएंगे, अगर हमेशा ऑप्शन भी चर्चित रहे, पहला ऑप्शन उसमें आदिवासी महिला, दूसरा ऑप्शन उसमें जाट महिला, तो दोनों में पहना जाता है, जाट महिलाएं भी स्पेशल रूप से पहनती है तारा भात की ओढ़नी और आदिवासी, लेकिन दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप उत्तर कर देना कौन सा आदिवासी महिला है, अगर आदिवासी ऑप्शन नहीं है तो फिर आप क्या करके आ जाना जाट महिलाओं द्वारा, ठीक है इसको ध्यान रखना, ये दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप थोड़ा सा ऑप्शन के आधार पर कर लेना इसको, दोनों ऑप्शन है तो आदिवासी महिलाएं, इसी दोनों ऑप्शन ही दिए, अगर आदिवासी महिलाएं ऑप्शन नहीं है तो फिर जाट महिलाएं हो जाएगी, ठीक है। मामा चुनड़, आ कौन सी चुनड़ी आ गई भाई मामा चुनड़, अरे मामू ले आओ, मामा चुनड़ होगी यानी मामू ले, यानी मामू ले गया होगो की खातर है, ब्याह में आपकी भांजी खातर है, बा कौन सी चुनड़ी मामा चुनड़, बस चलो आगे फिर के जामा साई ओढ़नी, ओहो की फोटो है रे, चलो जिंगी भी है, जामा साई ओढ़नी कद पेरी जे आ ओढ़नी विवागी साड़ी है जो किसे रंगी है, ब्यागी साड़ी तो किसी को है लाल रंगी है, लाल जोड़ा जो पहना है, ये लाल जोड़ा है जो विवाह के ऊपर पहना जाता है, कौन सी जामा साई की ओढ़नी, ब्याह के ऊपर ब्यागी बरी है एक प्रकार की, ब्याह मवनी तो ब्यारी है जकी लाल, ब्याह में लाल वही है पतो ये, चलो रे डोली उठाओ पिया मिलन की, लाल कपड़ों देखता ही बड़क जाए, नहीं वो भूत कौन सो जानी दुश्मन फिल्म को नहीं दो तीन बार देखे बा, तो आ कौन सी है जामा साई ओढ़नी, ठीक है गुरु जी आगे चलो। बड़ूली, बड़ूली जी की है वो वर पक्ष सारा वधु खातर ले गया हुआ है, यानी वर पक्ष वाले वधु के लिए लाते हैं जो ओढ़नी, उसे बड़ूली कहा जाता है, इसी ओढ़नी में की देख ली याद रह जासी ये ओढ़नी ओढ़ू तो नाचो, हाँ ओढ़नी ओढ़िए नाच ली मना, पहले ये पढ़ ले सारा सारा करवाण लाग रहे हो, ये कह रहे तावरो तो बहुत बात करो रहे बहुत बार रुको है, मास्क भी करवा दे गुरु जी, चल नेक्स्ट कटकी, ओके आ गयो भाई कटकी, पावली भी बोले देखे डो किताब महिला की ओढ़नी है एक प्रकार की, बस याद रखो तो राख लिया नहीं कोई जरूरी को नहीं, ओ तो लो सगड़ानी बेरो है घाघरे को, तो घाघरे ने लहंगो भी कह इसको थे लहंगा भी कह सकते हो, एर पेटी कोट सरकार भी कह इसको, कहीं पूछे करे नहीं अकबर का पेटी कोट शासन, पेटी कोट अकबर पेटी कोट में फसेड़ रहे हो 1556 से 60 तक बेराम खां के संरक्षण, 60 से 62 तक पेटी कोट सरकार जो मानी जाती है ना, तो कहीं पूछ ले गुरु जी पेटी कोट सरकार की, अरे पेटी कोट मतलब लुगाया वो राज पेटी कोट सरकार हो गयो, अकबर का एक फटकार घाघरे की इनू लागे, एक फटकार इनू लागे पेटी कोट सरकार होगी, तो वो है टापरो पेटी कोट, ठीक है ठीक है, यानी घाघरो कह दो लहंगो कह दो पेटी कोट कह दो, और 80 कड़ी को घाघरो तो बहुत ही फेमस है,
और जी ओके बस सिकड़ी, अस्सी कड़ी मतलब अस्सी काट के नहीं बना लियो, वो सिकड़ी को गयो जो। आदिवासियों में महिलाओं के घाघरे को क्या कहा जाता है? कछाबू। और बिया टावरों घाघरा एक नदी भी है। अभी कई बार के पत्रकार भी गलती कर दे, तो नदी के बारे में बता रहा था घाघरा से ऊपर है पानी, यानी नदी के बारे में नदी लगाना भूल गए थे। तो लगाना जरूरी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा कई बार क्या हुआ शब्द से ही अब हम ध्यान रखना पड़े। अब कह दे घाघरा कहाँ से निकलता है, तो घाघरा नदी बोल दे तू, घाघरा नदी कहाँ से निकलता है, क्योंकि कई बार शब्द को अर्थ को अनर्थ हो जाए इन वजह कई बार फिर आगे लगाना पड़ेगा वो कहना के चार्य है। तो घाघरा सारा नहीं बेरे रख के बताऊ मैं, चलो मैं आप लगे ठे लहरियो इन लहरियरा 900 रुपया रोकड़ा लहरियो गठे को फेमस है टावरो जयपुर को, विशेष रूप हुई अंदर पांच रंग हुए यानी लहरियो। और महिला कद पेरे सावन में पेरे कद सावन में, अब लागियो अब लहरियो पेरे कब पहना जाता है सावन में, रह जासी के ध्यान में रह जासी के, ये तो नारकली है जो नारकली है, तो फिर अगर नारकली थी तो अकबर के सामने नाचेगी। मुझे 50 सेंटीमीटर ऊपर घाघरा अच्छा घेरदार घूमे रे घूमे घाघरा, और ऐसे ही विद्वान बैठे हैं, मौको ही कौन मिंद्रे हम तो कोई अच्छा प्लेटफार्म कौन मिंद्रियो नहीं तो है बहुत आगे जा। चलो आगे चलो, दामणी भैया दामण एक आभूषण भी है, अगर आभूषण के अंदर कराऊंगा मैं तो दामणी यो की है 9 नंबर की है दामणी, किसे करंगी वह देख लियो किसे करंगे थार सामने टावरो दामणी लाल रंग की ओढ़नी है जिस पर जरी के धागा को कसीदकारी करेगी वे, तो दामणी एक भी आभूषण भी है अंगुलियां पे दिन और दामणी वो भी है। तो थोड़ा सो शब्द ध्यान में रख ले महिलाओं को है और इन प्रकार है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत को नहीं, हम ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, ज्यादातर अभी तक पुरुषांग पेड़ी है लुगड़े को तो सगड़ा नहीं पेरो है ओढ़नी को एक प्रकार सो ये लुगड़ो यानी केली को ओढ़नी का एक प्रकार है। विपर चित्र चिड़ी का लागे रहा है, चिड़ी चाड़ी को चित्र है गे नहीं मां दिख रही को, यानी इसके ऊपर चित्र किसके लगे होते हैं चिड़ियों के। गठे को फेमस है शेखावाटी बहुत चल है लुगड़ो, यानी शेखावाटी विशेष रूप से लक्ष्मणगढ़ के अंदर मुकुंदगढ़ के अंदर, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में है लक्ष्मणगढ़ सीकर मुकुंदगढ़ अठे चल रहा है कौन सो लुगड़ो आवरो लुगड़ो पेरेडो है छोड़ो थारो। ओ हमारे उड़ते हैं हाँ हाँ बहुत सी जगह उड़ है, तो उड़ है यदि मैं करा रही हूँ नहीं क्या मैं करवाओ टावरो। चलो अंजना कैसे नहीं किया था खाने अच्छे अच्छे अंजना करा अच्छे पत्रकार है वो तो। चलो लहरियो आगे चलो, नानड़ा या नांदना वो भी नाम सुने डोगे थारो ओ की है बताओ रहे, क्योंकि चित्र में था बेरो कौन पड़ रही हो मेरे सामने की बेरो कौन पड़ रही हो यू की है कुछ है बालिका ही बता सके, क्योंकि आज चीजा आदमी नॉलेज कम भी हुए आदमी इन चीजों में लुगाई जी वेरी बा आ तक बता दे कि काल कौन सी ड्रेस पे रखी आदमी नो कौन बेरो कि बिन घर रही कितनी ड्रेस है, जे कोई पड़ोसी गिफ्ट दे जाए तो बिन कौन बेरो पड़े, अरे लुगाई कितो ध्यान रखा आदमी कौन सी ड्रेस पे रखी कद पे रखी, तो अपन आ चीजों थोड़ा नॉलेज कम है। लुगाया ब्याह शादी में जागी जो ड्रेसा देखेगी गहनों देखेगी, यानी ड्रेस आंग वो भी कंपटीशन हुए छोरिया में लुगाया, लड़कों की ये फितरत होती है कि लड़के कभी भी आप भी सागर और दोस्त अगर ब्रांडेड पैंट पहन रखे शर्ट पहन रखे लड़कों को दी एलर्जी कौन करेगी, जबकि महिलाओं के अंदर कोई भी माता बहन बुरो ना मानी लड़कियां के अंदर ड्रेस को भी कंपटीशन कोई सूढ़ी ड्रेस पहन के आगे तो व्यू भी जलन कर लाई जाएगी, तो महिलाओं को इन चीज़ों का ज़्यादा अनुभव होता है, पुरुष इस मामले में बिल्कुल भी नॉलेज को नहीं है जो ही आ पाता। चलो बुरो नाम आनियो छोरियो नांदना या ना बोला है नाम को नहीं याद रहे नानड़ा या फिर नांदना नादना या फिर नानना नाम ही दो ले जाए नीले छेट युक्त घाघरो एक तरीके को की है यू घाघरो ही है टावरो ठीक है कि हाँ एक प्रकार को की घाघरो ही है के बोलो रे ये करा आई एम बिग फैन ऑफ मुझे ठीक है बिग फैन है तो बहुत बढ़िया बात है बड़ो फैन है तो कूलर में चेंज हो जाओ तुम एक आवाज आ तो मौत ठीक है आड़ो क्या होता है मन के रुके हुए वो तो की बताने की होते हैं वो भी बताना पड़ोगे वो थोड़ी बताना पड़ोगे महिलाओं तो बेरो ही है यार ये मामले में घाट पुरुष भी कौन गाले तो
ये चीज को तो था ना पहली बेर या फिर इनको कोई विशेष करूं कमर के ऊपर बांधा जाता है या लो यूं ज्यादा जिक्र मैं कौन करूं क्योंकि था बेरो चीज को ठीक है। कुर्ती कांचली इंगे बारे में पूरो नॉलेज है पूरो डिटेल है इंगे तो एक एक पार्ट के बारे में बता सको मन अच्छी तरह बेरो है लेकिन फिर भी कोई अंतर वेगे कुर्ती और कांचली के अंतर कोई बता सके कांचली के ऊपर कुर्ती वे कुर्ती के ऊपर कांचली पहनी सके पहले तो आप बताओ थोड़ो बहुत तो बेरो तो होना चाहिए और अम कौन सी चीज ने अंगी भी बोले कुर्ती ना अंगी बोले कांचड़ी ने कोई भी महिला नहीं बताओगी सिर्फ और सिर्फ पुरुष बताओगा मेल ही बताओगा कि अंग वो अंगी क्या बोले कुर्ती ना अंगी बोले कांचड़ी ना अंगी बोले कुर्ती के ऊपर कांचड़ी पहनी जाए कांचड़ी के ऊपर कुर्ती पहनी जाए। दूसरो प्रश्न और के बताना है दूसरो थे आप बताओ कि कौन सी गए कुर्ती के बाजू अट तक हुए कांचड़ी का बाजू अट तक हुए तीनों प्रश्न का उत्तर अभी बताओ छोरा बताओगा लड़कियां नहीं बताओ बताओ को रहे मारो उनका सुना तुक्का देखी जागी के रुपया थोड़ी लागे तो कमेंट करना रुपया लागे को नहीं तो मरिया कौन करवा थे मन बेरो हाँ अंगी कौन सी वे कुर्ती बोले अंगी कांचली ने बोले बताओ बताओ रे कौन बेरो चलो कौन बेरो तो बताऊंगा भाई देखो कुर्ती का बाजू को नहीं मैं आ ध्यान रखियो यानी अणके पे राखी है अणकांचली पे राखी है देखो इंगा बाजू है आ तोड़नी होगी आ कुर्ती है देखियो ये कुर्ती है यानी कुर्तो ऊपर पहरी जाए तो जाहिर सी बात है ऊपर पहरी जाओ तो आ क्या हो गयो या कुर्ती होगी ओ गया है ओ लैंग है देखो सारा पार्टी अण बना रखे है। अब देखो कांचली के बाजू नहीं होता है ठीक है क्या कहें हाँ कुर्ती के बाजू को नहीं मैं और कांचली के वह अट तक बाजू है और अंगी क्या ने बोला अंगी टाबरो कांचड़ी नहीं बोले पहली मारो चाल तो कांचड़ी मुंह बेस काट लियो अंगी मुंह बेस काट लियो पुराने ए जमाना ही गया आपने दादी अपनी नानी पेरिया करती अब तो जमाना ही गया बहुत कम हाँ आज भी चलता है कल्चर के अंदर लेकिन कम हो गया इतना नहीं लोग अंबेरे को नहीं अंगी के वह देखो के दिन आया हुई तो अंबेरो चलो आगे चलो फिर फैशन बदलती जा रही है तो फैशन के अनुसार काम हुए चलो चालू आगे के आगे चालू तिलका यो के चीज हुए भाई तिलका नाम सुने डो के थारो तिलका ये मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं और वैसे ये सफेद रंग का एक तरीके को चोगे की तिनिया में सफेद रंग को यानी सलवार सूट को ऊपर पहनी जाए मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं और एक प्रकार से चोगे की तिनिया में तो थोड़ा सो ध्यान रखियो नयो नाम है होश के थारे ध्यान में रहे स्कर्ट बताने की जरूरत कोई नहीं छोटो कुर्तो मान लियो कोई बताने की जरूरत कोई नहीं छोटी बच्ची बच्चियां पहनती है इसे ठीक है गगरी वो भी बताने की जरूरत कोई नहीं महिलाओं का वस्त्र है सब ने बेरो है गगरी घुटनों तक वह गगरी गए से घुटनों का आग्रह कोई एक तरीको परिष्कृत रूप गगरी है ठीक है बुरको बताने की जरूरत कोई नहीं तेरी आंखें हैं मधुशाला इस पर शेर कहूं या फिर गजल लिखूं सबने पता है बुर्का कौन पहनते हैं बुर्का यानी मुस्लिम महिलाओं में कैसा होता है बुर्का हमेशा ध्यान रहे काले रंग का होता है एक प्रकार से धर्म से जुड़ा हुआ है ये तो बुर्को बेरो ये सगला बताने की जरूरत कोई नहीं यो भी बताने की जरूरत कोई नहीं सबने पता है क्यों क्योंकि सारा ही विद्वान है पीएचडी करेड है सबने नॉलेज है सलवार सरारा सरारा तेरा सरारा गान सुने डगे सरारा सरारा ओ के चीज है भाई ओ टावरो सलवार जी शोई पे यो देखो पजामे वो महिला प्लाजो बना के पहन लियो ठीक है तो ओ सरारो सरारा तो बहुत सोच के नया टावरान कौन भी रोगियो सरारा क्योंकि ये शादी विवाह महिला पेरे विशेष रूप में एक प्रकार सलवार जी शोई है ठीक है याद रह जा सीखे रह जा सीखे की कमेंट करो रे बेटी का बापू ये ऑफर कणा दे अरे ऑफर ही चाल यार हमेशा ही 500 रुपया 700 रुपया 2-1500 रुपया तो फीस रखा के ऑफर दे यार समझे करो यार टाबर की जान ही लेवागी थाने सच्चाई को बताओ जो अगर 100 रुपया फीस रखा नहीं तो 18% जीएसटी कट गए टैक्स कट गए 50% बचे
यानी मैं जो कोर्स रखता हूँ ना उसके 50% बचता है। कैसे 50% पार्टनर तो सरकार बन रही है, मोदी बन रही है, यानी 18% जीएसटी काट दी, फिर टैक्स लगा, टैक्स करके मुश्किल से बचता है 50%। फिर 50% में पूरा का पूरा एडजस्ट करना पड़ता है, सारा का सारा खर्चा, टीचर्स का खर्चा, बोर्डों का खर्चा, टेक्निकल टीम का खर्चा, तो तुम खुद सोच लो। और इसमें भी मैं कितने में दे रहा हूँ तो सोच सकते हो कि मैं कितना कमा रहा हूँ। फीस क्या है, 500, 700, 1000, 1500। तो एक हतरब की ऑफर दे आते खुद समझे करो, सियाणा टाबर हो, कोई फीस में कोई आतो बात को नहीं, थार 50,000 फीस कर रखी है, समझे करो, या ना करे करो, टाबर की जान नहीं लियोगा की। पावरी हो गया चीज है भाई, पावरी सुने डे, लाल गुलाबी रंग की दुल्हन की ओढ़नी, पावरी यानी लाल प्लस गुलाबी रंग की दुल्हन की ओढ़नी, लिख लियो नाम सिंदूरी। यो क्या चीज है गुरुजी, सिंदूरी, सिंदूर कब दुल्हन के विवाह पे, यानी भीलों में दुल्हन के विवाह पे चलता है ये, यानी भीलों में शादी के, शादी में दुल्हन की साड़ी, बिल्कुल गुरुजी सिंदूरी याद रह जासी गई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कापड़ी गलत नहीं समझे वो, देखो चित्र बड़ा दोरा निकाल के लाया, जिशा भी है मैं निकाल के ले हूं, आने कोई गलत अर्थ नहीं निकालेगा, निकालना है तो निकाल तारो, गहने गड़ा ही निकाले तो के फट, लेकिन थे पटना टाबर मन गिर आपने, क्योंकि जगह गलत अर्थ निकाले भाई तो आपने वीडियो देखा ही करी, तो बंद तो कोई इन मीनू कोई कट्टेड़ो वीडियो हाथ लागे को जुद बहका ओके के चित्र लगा रखे है, अरे तो भाई जी जब कापड़ी कांचड़ी पटाऊंगा चित्र तो ही लगाना पड़ेगा, कल ने थे साइंस का मास्टर पर ऑब्जेक्शन उठा लेगा यो के पटावे, अरे तो भाई जी साइंस में आवे पढ़ाना ही पड़ेगा, बिना अरे थे कोई टाबर थोड़ी रहे, 8वीं 10वीं टाबर थोड़ी हो, थे सारा जवान हो रहे था ना, हर चीज को नॉलेज है मन पतो है, मैं तो कोई नई चीज था ना बताई को नहीं, थे पहले ही सीखेड़ा हुआ है चीजा तो दीवारों के ऊपर भी, इतने तो दीवारों के ऊपर भी लिखेड़ हो, प्लांटी प्लांटी समस्या है तो निराश मत हुई आइए हमारे पास, दीवारों पर भी तो लिखेड़ है, तो कोई ज्यादा ही शरीफ है दीवारा मिटाई तो को नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। कापड़ी आ क्या चीज है, कमर के ऊपर को वस्त्र है, कमर के ऊपर का वस्त्र है, पीछे जकी हुए डोरियों बांधे डो, यानी पीछे डोरियों से डस बंधे डो, याद रह जैसी, रह जैसी नहीं वो क्यों कौन रहा हूं रे को, कापड़ी नाम नहीं हुए टावरू, ध्यान रहा क्यों कापड़ी, याद रह जाओ नहीं ठीक है रह जाओ, चलो क्योंकि अब जगह वीडियो देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं जगह पढ़ रहे बन कोई मतलब को नहीं उन दी बात इंगो कट कोई ओडो वांगा गप गो जद बन बोलने मौको मिल जाएगा तो कट ना करियो कोई बात को नहीं। चिरनोटियो ये कौन सा वस्त्र है, ये जो वस्त्र है वो हमारे धर्म के अंदर साध्वी महिलाएं पहनती है, ये साध्वी है पता है, नाम तो मैं नहीं जानता, इन कई बार देखा तो है, तो साध्वी महिलाएं पहनती है, इन्हें साध्वी महिलाओं के ओढ़ने का वस्त्र होता है एक प्रकार का चिरनोटियो, याद रह जैसी के, रह जैसी के टाबरो बताओ 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 बताओ। सर ये मेरी फेवरेट पोशाक है, कौन सी है तेरी फेवरेट, पापा गो परो, पापा परांगी भी फेवरेट है, ये सलवार है ये तेरी फेवरेट, मेरे कदम रुक गए उसकी मांग में सिंदूर देखकर उसने भी कार का शीशा चढ़ा लिया। आरएस कोर्स लेना है कितना, शायद 1500 होगा हाईएस्ट हमारे पास फीस आरएस की है, बाकी सबकी फीस कम है, मेरे कदम रुक गए, अच्छा अब बताओ क्या समस्या है, अब क्या कौन समझ में, पूरा हो गया नहीं वस्त्र सही, पूरा हो गया ठीक है बताओ, यानी मैंने पुरुष और महिलाओं दोनों के वस्त्र कंप्लीट करा दिए, अब बताइए आपको क्या चाहिए, कौन है ये साध्वी जी, कौन है, क्या नाम बता तो रखा है किसी ने, रितंबरा दीदी, हाँ हो सकते हैं अभी मुझे पता नहीं, हाँ जी बताओ बताओ बताओ, आपके बहुत जोधपुर में रहते हैं, केवल आपसे बात करने आती, मेरे से बात करने आती कहाँ थी, अच्छा सर कभी भी हमारा भी नाम ले लो श्रीमती अरलोक के, चलो ले लियो भाई तेरो भी नाम ले लियो, बताओ क्या कह रहा हो, पूरा हो गया टॉपिक है, लोग देवता बाद में कराऊंगा, पहले देखा और कौन सा टॉपिक कराऊं मैं, रीट के टेस्ट नहीं लग रहे, कितना टेस्ट दे रहा क्या, 50 टेस्ट तो दे रहा क्या लगा आप करवाने, रीट के अंदर भी मैं ऑब्जेक्टिव डाल दिया हर टॉपिक वाइज, हर टीचर का ऑब्जेक्टिव डाल दिया, मैं देख लियो अलग उनकर नहीं गठजुड़ते, चलो ठीक है।